यहाँ से अभी गणेश टोपी की चढ़ाई कर रहे हैं। रास्ता देखो कैसा है, ये 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, इसमें हमको लगभग लगभग 1 घंटा लग जाएगा। अभी 14,500 फीट की हाइट पे हैं। अगर ज़्यादा तेज चलते हो, उछल कूद करते हो या फिर ज़्यादा तेज जयकारे लगाते हो तो सांस फूलने लग जाती है। उस तरफ बंदों की लाइन है, भक्तों की लाइन है और इस तरफ बोर्डों की लाइन है और ये वहाँ तक है, बेस कैंप तक। राम राम जी। आज 8 जुलाई 2022 और सुबह के 8 बजे का टाइम हुआ है। सुबह 5:30-4 बजे बारिश स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद 5:30 तक चली, उसके बाद बंद हो गई थी। तो सोच रहे थे कि खोल देंगे, लेकिन वापस 6 बजे अनाउंसमेंट कर दी कि आज यात्रा बंद है, आगे का मौसम ख़राब है, बारिश के कारण नहीं जा पाओगे। लेकिन अभी 20 मिनट पहले दोबारा अनाउंसमेंट कर दी कि मौसम आगे का साफ हो गया, आप जा सकते हो। तो अभी शेषनाग बेस कैंप से निकल रहे हैं। ये जो चारों तरफ आप देख रहे हो, ये शेषनाग बेस कैंप है। यहाँ पर 450 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टेंट मिल रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो। सुबह सुबह लाइन देख सकते हो, लंगर में कितनी ज़्यादा लग गई है। एक चाय के लिए भी बहुत लंबी लाइन है। सुबह मौसम खराब होने के कारण यात्रा रुक गई थी, जिसके कारण अब दोबारा यात्रा शुरू है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। अभी देख सकते हो आगे भी कितनी लाइन पीछे। अभी ये पीछे ना शेषनाग का चेक पॉइंट था, जहाँ सुबह 6 बजे से लेकर और दोपहर के 2 बजे तक क्रॉस करने देते, उसके बाद नहीं क्रॉस करने देते। कल हम लेट आए थे, ये टेस्ट किया था, सुबह मौसम ख़राब हो गया था, तो अभी 8:30 बजे क्रॉस किया है। भीड़ देख सकते हो आज कितनी है। यहाँ से लाइन जा रही है, यहाँ से ऐसे करके और ऐसे 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 और नीचे से घोड़ों की जा रही है। बारिश के कारण रास्ता देख सकते हो भाई कैसा हो गया है। अगर आपके जूते अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो फिसलेंगे 100%। चलो चलो चलो। भीड़ देखो भाई कितनी हो रखी है। उस तरफ बंदों की लाइन है, भक्तों की लाइन है और इस तरफ बोर्डों की लाइन है और ये वहाँ तक है, बेस कैंप तक, जो शेषनाग बेस कैंप है। और अगर इस तरफ जाएंगे वहाँ से ऐसे ऐसे घूम घूम के ऊपर आएंगे। बूढ़े वालों के लिए वो पुल बना रखा है, और जो पैदल यात्री जा रहे हैं, भगत जा रहे हैं, उनके लिए ही है। चलो चलो चलो। भाई उतर लो, आप देख लो नीचे खड़े हो गए। एक रास्ता यहाँ से है ऐसे जाने का, दूसरा रास्ता वहाँ से ऐसे जाने का, और तीसरा बंदे यहाँ से जा रहे हो, फिर वैसे चल रहे हैं, ये ऊपर चढ़ाई पे जाना है। एक लाइन ये बना रखी है, दूसरी उससे नीचे वाली है और तीसरी मैन नीचे है, जहाँ पर घोड़े खच्चर में चल रहे हैं। वहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा है, वो है वाउबल, वाउबल जगह है। उससे आगे 1-2 किलोमीटर की चढ़ाई हो रहा है, जिसको बोलते हैं गणेश टॉप। उसके लिए चढ़ाई कुछ ऐसी देखो, यहाँ से ऊपर से बंदे आ रहे हैं, नीचे से घोड़े आ रहे हैं खच्चर, उस तरफ का भी उसे आई ज़बरदस्त चढ़ाई यार, खड़ी है बिल्कुल खड़ी है, रास्ता भी बिल्कुल नहीं है कई जगह। तो अभी तो रास्ता जैसे थोड़ा सा ठीक है, इससे पहले कई जगह ऐसा रास्ता ही नहीं था, बिल्कुल कम था। तो भाई पहुंच चुके हैं बब्बल टॉप, एक यहाँ से गणेश टॉप की और 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। नीचे आप भीड़ देख सकते हो यार, कितनी मंदिर सारे बोल गए, बहुत नीचे सारे वहाँ पर लाइन नहीं टूटी बिल्कुल भी। फाइनली पहुँच गए, टफ चढ़ाई है, बहुत टफ है मेरे भाई यहाँ की, क्योंकि ना बारिश के कारण बिल्कुल लपेट मची हुई है, रास्ता बिल्कुल नहीं है, पत्थर है, तो थोड़ी सी दिक्कत आई। आपको मैन क्या करना, जूते अच्छे लेके चलने हैं और पानी लेके चलना, हर जगह पानी मिलेगा। लो भाई एक चढ़ाई कंप्लीट हुई है, अब थोड़ा सा फ्लैट चल के लगभग लगभग 300-400 मीटर और एक और चढ़ाई शुरू हो रही है, जैसा कि आपको भगत दिख रहे हैं वहाँ पर, वहाँ नीचे लंगर है और वहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर उस पहाड़ी पर चढ़ना है, जिसको गणेश टॉप बोलते हैं। ये लास्ट चढ़ाई मान के चलो, इसके बाद आपको 1.5-2 किलोमीटर नीचे उतरना है पोस्ट पत्री, वहाँ पे लंगर और रहने की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है,
पूरी यात्रा में वहीं पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बाकी हर जगह आपके 10 रुपये लगेंगे, लंगर बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। लो भाई, यहाँ से अभी गणेश टोपी के लिए चढ़ाई कर रहे हैं और रास्ता देखो कैसा है। एक दूसरे की मांग दी एक छोटी सी डोल का और अभी हमें यहाँ से चढ़ाई करनी है। वो ऊपर जो दिख रहा है ना लास्ट में, वो गणेश टोप, ये 1 किलोमीटर की चढ़ाई है जिसमें हमको लगभग लगभग 1 घंटा लग जाएगा। नेक्स्ट मेडिकल सेंटर 1 किलोमीटर, माँ गणेश टॉप 1 किलोमीटर, फोज पकड़ी 3 किलोमीटर, पंचतरणी 11 किलोमीटर, होली के 17 किलोमीटर, मतलब कि आज हमें 17 किलोमीटर और चलना है। जो बंदे हैं वो उस तरफ से आ रहे हैं बरौड़े के भगत, और जो घोड़े खच्चर ना वो उस तरफ से आ रहे हैं, तो आप वहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ से ऐसे 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 कहीं पे भी लाइन नहीं टूट रही घोड़े खच्चरों की, देख सकते हो आप वहाँ से 1 किलोमीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ के, जैसा कि आप देख सकते हो बंदे। और गणेश टॉप पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर नीचे उतरना है, ये है गणेश टॉप। थोड़ी दूर ऐसे फ्लैट में चलेंगे फिर नीचे जाएंगे, और यहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को भी मिल सकती है। अभी 14,500 फीट की हाइट पे हैं, अगर ज़्यादा तेज चलते हो, उछल कूद करते हो, या फिर ज़्यादा तेज जयकारे लगाते हो तो सांस फूलने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा मिल जाएगी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। और जो मेडिकल कैंप है वो यहाँ से लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे उतरना है वहाँ पे। लो भाई, पहला पॉइंट आया जहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। वैसे तो दूर दूर बहुत जगह मिली थी, लेकिन बिल्कुल जो पास से ना वो यहाँ पे आके देखने को मिलेगी। देखो जैसे यहाँ पे भगत खड़े हुए हैं, यहाँ पर फोटो वीडियो लेंगे। यहाँ पे वो सामने वहाँ पे नीचे भाई पोस्ट पत्री, जहाँ पर प्लेट प्लेट टाइप से टेंट दिख रहे हैं, लगभग 1.25 किलोमीटर रहता है, लेकिन वहाँ तक बिल्कुल ढलान मिलेगी, बिल्कुल ढलान ऐसा रास्ता है। कारपेट के ऊपर कृपया जूते चप्पल पहन के ना बैठे, आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हुए, आप सबने आराम भी कर लिया है, सो भी लिए। अब जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय बोलते हुए अपनी यात्रा को पंचतरणी की ओर कृपया करके जारी रखें। यहाँ व्यर्थ बैठकर अपना समय खराब ना करें, दूसरे यात्री को भी यहाँ आराम करने का अवसर प्रदान करें। ये सामने पोस्ट पत्री भाई, यहाँ पर लंगर है और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है, और यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है पंचतरणी, लेकिन आज पंचतरणी पहुँच सकते हैं लेकिन उसे आगे क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि अभी 1:40 का टाइम हो चुका है और 3 बजे पंचतरणी का गेट बंद हो जाएगा। यहाँ पे पोस्ट पत्री में आते ही सबसे पहले यहाँ पे मजार सेंटर है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद ये कुछ ऐसा होल बना रखा है यहाँ पे, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे भक्तों के लेटने के लिए जगह बनाई गई है। आदित्य से भंडारा प्रसाद उतना नहीं जितना कि आप खा सकते हैं, उसे छोटा फेंककर प्रसाद का अनादर ना करें, पाप के भागीदार ना बने। एक और
देखो भाई यहाँ पे फोटो लिख लिया है जहाँ पे लिखा हुआ आई लव महादेव। और ये पोस्ट पत्री जो यहाँ पे पोस्ट पत्री है जहाँ पे लंगर लगा हुआ है इसके जस्ट सामने है। तो यहाँ से अब आगे निकल रहे हैं, यहाँ से पस्त नहीं रहता 7 किलोमीटर दूर। तो जो लास्ट पॉइंट है ना उससे पहले आपको एक फ्लैट नदी टाइप से है वैसे तो, लेकिन उसके ऊपर पुल बना हुआ है, इसमें पानी नाम मात्र होता है, बिल्कुल नाम मात्र, ज़्यादा पानी नहीं है। कहते हैं जब भगवान शंकर ऊपर जा रहे थे ना तो उन्होंने अपनी जो सिर में गंगा नदी थी वो यहीं पे छोड़ दी थी, तो इसलिए इसको पंचतरणी बोलते हैं। तो ये एक चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा है, और आज का अपना स्टे यहीं पर होगा क्योंकि 3 बजे के बाद यहाँ से आगे नहीं जाने देते। और ये हमारे साथ भाई हैं, हेलो भाई सचिन सिद्धू भाई, हेलो सर, कमल पाठक, हेलो भाई। ये यहाँ पे है पंचतरणी की चेक पोस्ट, यहाँ से आगे जाया जाता है, यहाँ पर 3 बजे रोक दिया जाता है और सुबह 6 बजे यहाँ से निकलने देते हैं। यहाँ से आके ये पहाड़ी है, इसके पीछे जाके फिर वापस आना है। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर संगम है जहाँ से बालटाल के लिए रास्ता अलग से होता है, और 3 किलोमीटर आगे गुफा है। तो जो गुफा है उससे 200 मीटर पहले ये घटना घटित हुई है, जो बादल फटा है और कई लैंड 3 से 4 लैंडस्लाइड बता रहे हैं वो रखी है। तो यहाँ से आगे अभी किसी को नहीं जाने दे रहे, जो बालटाल के रास्ते नीचे जाना चाहते हैं उनको जाने दे रहे, बाकी किसी को नहीं जाने दे रहे। तो ये चेक पोस्ट है, वहाँ पे पीछे मेडिकल है, इसके बाद यहाँ पे कैंपिंग है, इसके जस्ट पीछे हेलीकॉप्टर फैसिलिटी दे रखी है जो हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं।